फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। इन दिनों बांग्लादेशी एक्टर मॉडल स्टार अशरफ आलोम बगोरा की पिक से भरा हुआ है। 100% लोग उसका, उसके रंग रूप और उसकी अपीयरेंस का मजाक उड़ाते दिखते हैं। असल में आलोम बोगरा का जन्म बांग्लादेश के बोगरा जिले के इकलिया गांव में हुआ था। माँ बाप इतने गरीब थे कि उन्होंने आलोम को 10 साल की उम्र में ही त्याग दिया मरने के लिए। कमबख्त इतनी सख्त जान था कि मरा नहीं। तब एक आदमी अब्दुल रजाक ने उसे पाला। गांव के स्कूल में ही 7वीं क्लास तक पढ़ाई करी। जुनूनी था, दिन रात बस एक ही धुन सवार थी कि हीरो बनना है। दिन रात म्यूजिक एल्बम्स की सीडी देखता रहता था, फिर धीरे धीरे उन्हीं को बेचने भी लगा। फिर अपने गांव में ही उसने केबल टीवी का काम शुरू किया और फिर एक दिन अपने फोन से ही एक गाने पे वीडियो बनाई जिसमें उसने गांव के लड़के लड़कियों को और खुद को शूट किया और फिर अपने गांव के केबल टीवी पे ही दिखाना शुरू किया। शेष इतिहास है, आज वो अपने देश का एक छोटा मोटा स्टार है। बगल के गांव की एक लड़की सूमी अख्तर से उसकी शादी हुई, 2 बच्चे भी हैं। आज आलोम की 500 वीडियो एल्बम्स बाजार में हैं, यूट्यूब पे हैं, पर हिंदुस्तान उसकी खिल्लियाँ उड़ा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसका रंग काला है या वो स्थापित मापदंडों के अनुरूप स्मार्ट नहीं। क्या आलोम के हीरो होने में कोई संदेह है? क्या इस बात के लिए उसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए कि गरीबी भुखमरी से त्याग दिए जाने के बावजूद भी वो मरा नहीं, ना खुद मरा ना सपनों को मरने दिया। जो सपना देखा उसे जिया, हार नहीं मानी। मुंह में कोई सिल्वर स्पून ना था, ना शिक्षा थी, ना ट्रेनिंग थी और ना कोई प्रमोटर था, फिर भी छा गया। उसे अपने काले रंग से कभी भी हीनता नहीं हुई। उसने हमेशा खुद को एक हीरो ही माना, खुद को हीरो ही देखा।